Hey guys, welcome back to my channel. I'm again here with a new video of class 8 with chapter 4, cube and cube roots. So we have already done exercise 4.1. Now we are gonna start our new exercise 4.2. So without wasting any time, let's get started. तो देखो आज हमें क्या करना है, 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं कि क्या स्टेटमेंट दे रखी है हमें. तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. देखो फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या निकाला था हमने, क्यूब निकाला था. ठीक है, किसी भी नंबर जैसे 2 समझ लो, इस 2 का अगर हमें क्यूब निकालना है मतलब 2 की पावर कितनी है 3. तो कैसे करते थे, 2 को 2 से कितनी बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 बार, तो आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करके. ठीक है, ये हमारा क्या होता था, ये क्यूब होता था. अगर हमें निकालना है क्यूब रूट तो जैसे समझ लो कि 8 का ही क्यूब रूट निकालना है तो क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 2 से करेंगे 4 पे, 2 से करेंगे फिर से 2 पे, 2 से करेंगे तो 1 पे. 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 देखो कितनी बार आ गया इसमें, 3 बार, तो लिख दे 3 बार. फिर क्या होगा, क्यूब रूट निकालते टाइम ये वाला साइन बताया था मैंने, ये वाला साइन लगेगा और पेयर कितने कितने के बनेंगे, 3-3 के. तो देखो 3 का ये पेयर बन गया हमारा, तो यहां से क्या आ गया, 1-2, यानी कि आंसर क्या आ गया क्यूब रूट का, 2. फाइन, रिवाइज करा दिया मैंने. तो अब देखो हमें क्यूब रूट निकालना है इन क्वेश्चंस के अंदर. तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या करना है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकालना है. तो देखो फर्स्ट पार्ट में करा देती हूँ, 1, 2, 1, 6, 7, इस नंबर का निकालना है क्यूब रूट. तो देखो कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये देखेंगे ये नंबर किससे डिवाइड होता है सबसे पहले. ठीक है, तो 2 से तो होगा नहीं, लास्ट में क्या है 7. अब देख लेते हैं 3 से करके, तो ये हो जाएगा जी 3 से भी नहीं होगा ये. ठीक है, क्योंकि 7, 6, 13 + 1, 14 = 16, 17 सम बना डिजिट्स का, वो 3 से डिवाइड नहीं होता. फिर 4 से करके देखेंगे, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से ट्राई करते हैं. तो 7 × 1 = 7, 5 बचे. अच्छा देखो मैं ना एक शॉर्ट सी ट्रिक बताती हूँ आपको, क्या कि वैसे तो आप करके देखोगे इसको बार बार तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा हमारा. तो हम ये देख लेते हैं इसके लास्ट में क्या दिख रहा है हमें, 7 दिख रहा है. तो एक ऐसा नंबर सोचो जिसको हम आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करें और हमारा आंसर क्या आ जाए, हमारा आंसर 7 आ जाए पीछे. ठीक है, यूनिट प्लेस पे. तो क्या करेंगे हम, एक नंबर सोच के देखते हैं. देखो 2 अगर हम लेते हैं तो 2 के आपस में 3 बार जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर बनेगा, 8 बनेगा. तो लास्ट में तो 8 आया, 7 तो नहीं आया, छोड़ो इसको. 3 लेके देखते हैं. ठीक है, तो देखो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27. तो यूनिट प्लेस पे क्या आ गया, 7. इसकी यूनिट प्लेस पे भी क्या है, 7, यानी कि जो हमारा क्यूब रूट आएगा उसमें लास्ट में क्या आएगा, 3 आएगा. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ बच्चों, पहले तुम ये देखो क्या यहाँ पे हमारा ये नंबर 3 से तो नहीं होता. फिर 13 से करके देख लेते हैं कि 13 से होता है या नहीं होता. 13 से भी डिवाइड जब तुम करके देखोगे तो 13 से भी डिवाइड नहीं होगा. तो हम क्या कर लेते हैं, फिर 23 पे चले जाते हैं डायरेक्ट. ठीक है, ये थोड़ी सी शॉर्ट सा मेथड है तो इसको थोड़ा सा यूज कर लेना आप, आपको कैलकुलेशन में थोड़ा ईजी हो जाएगा. ठीक है, 23 से क्या कर दें इसको डिवाइड. अब 23 से डायरेक्ट डिवाइड तो हो नहीं पाएगा हमसे, तो एक काम कर लेते हैं यहाँ पे करके देख लेते हैं साइड में. ठीक है, ये 23 हो गया हमारा, तो ये जाएगा जी हमारा 4 पे 92 होता है, 5 पे हो जाएगा, तो ये बनने का 115. ठीक है, 5 × 3 = 15, 1 × 5 = 10 और 1 = 11. ठीक है, अब देखो यहाँ से 11 में से 5 गया 6, यहाँ क्या बचे 1, 1 में से 1 गया 0. अब यहाँ पे 6 को नीचे लेके आ गए हम, फिर 23 × 2 पे चला जाएगा, ये क्या बन गया हमारा 46, क्या बचा 0, 6 में से 4 गया 2, नीचे आ गया 7, तो ये किस पे चला जाता है जी 9 पे. ठीक है, 9 पे जाएगा तो 207. अब क्या आंसर आ गया हमारा डिवाइड करके 5 × 9. अब ये फिर से किससे डिवाइड हो जाएगा, 23 से, करके देखना 23 × 1 = 23, यहाँ से क्या बचेगा हमारा 2 में से 12 में से हमारा गया 3, 9 बचे, और यहाँ पे क्या बचा हमारा 4, 4 में से 2 गया 2. ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया 9, पर मैं आप करके दिखा देती हूँ साइड में, कर लेते हैं हम, क्या मिस्टेक हो जाएगी वरना. 5 × 9 को 23 से कर रहे हैं. ठीक है, तो 2 पे, ये 1 पे तो जाएगा ही नहीं, 2 पे जाएगा, 23 × 2 क्या हो गया हमारा 46, 12 में से 6 गया 6, फिर यहाँ पे कुछ बचा 4, 4 में से 4 गया 0, 9 ले लेते हैं, तो ये जाएगा हमारा 3 पे, तो ये चला गया ये, तो यानी कि हमारा क्या आंसर आया 23, फिर से 23 से हो जाएगा 1 पे. तो देखो जो ये नंबर था 1, 2, 1, 6, 7, इसको हमने क्या लिख दिया, 23 × 23 × 23, तो ये इनका पेयर बन गया तीनों का, 3 नंबर से बनाना है हमें अब की बार पेयर. ठीक है, ट्रिपलेट, तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा हमारा 23. तो जो ये नंबर 1, 2, 1, 6, 7 है इसका जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 23. फाइन, ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट. अब मैं आपको एक और पार्ट करा देती हूँ ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए और आप जल्दी से समझ जाएं सारा टॉपिक. तो देखिए सेकंड टू नहीं, छोटा सा है, मैं कोई और कराती हूँ आपको.
मैं करा देती हूँ जी आपको लास्ट वाला पार्ट, एट्थ पार्ट करा देती हूँ। देखिए क्या दे रखा है, 157464 ये नंबर गिवन है। तो क्या करेंगे हम, प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है तो यहाँ पे लिख लो और प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 से स्टार्ट करें, 2 7 जा 14, 1 बचा यहाँ से, 1 के बाद 7, 2 8 जा 16, 1 बचा, 2 7 जा 14, फिर 2 3 जा 6, 2 2 जा, फिर 2 से जाएगा ये, 2 3 जा 6, यहाँ से बचा 1, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। बच्चे जिसको समझ नहीं आ रहा वो आप साइड में डिवाइड करके देखें, ठीक है। जब इन नंबर्स को आप इससे डिवाइड करेंगे ना तो आपका यही आंसर आएगा, ठीक है। अब 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 1 बचा, 9, 19 हो गया, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6। अब ये 2 से तो नहीं होगा, लास्ट में 3 आ गया, तो अब हम इसको करके देख लेते हैं कि ये 3 से होता है या नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारा 3 से हो जाएगा, करके देखेंगे तो 3 6 जा 18, 1 बचा यहाँ से, 16 हो गया, 3 5 जा 15, 1 बचा, 3 6 जा 18, और 3 1 जा 3, फिर से 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 बचा यहाँ से 26, 3 8 जा 24, और 3 7 जा, ठीक है। अब फिर से 3 से ट्राई करते हैं तो 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, फिर 3 9 जा, ठीक है। अब ये आ गया हमारा 7 2 9, अब हम करके देख लेते हैं जी, फिर से 3 से कर लेते हैं तो 3 2 जा 6, यहाँ से क्या आएगा, फिर हमारा 1 बचा, 1 के बाद 12 हो गया, तो 3 4 जा 12, और 3 3 जा, ठीक है। फिर से 3 से करेंगे, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर से 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 2 बचे यहाँ से, फिर 2 के बाद 1, 3 7 जा 21, फिर 3 से करेंगे, 3 9 जा, और 3 से करेंगे 3 पे, और फिर से 3 से करेंगे तो 1 पे। तो ये देखो इतना बड़ा सा कैलकुलेशन हो गई हमारी। अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, इसमें जितने भी बार जो भी नंबर आया है हम देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ 15, क्या नंबर था हमारा, 157464, तो यहाँ पे लिख रहे हैं 157464 इक्वल्स टू, अब देखिए 2 कितनी बार आया है यहाँ पे, 1 2 3, ठीक है। तो 3 बार 2 लिख देती हूँ मैं, 3 बार, फिर 3 को देख लेते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 9 times 3 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, सॉरी 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। जो भी नंबर्स आए थे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख लिए। अब हमें क्या करना है, हमें तो क्यूब रूट निकालना है, तो क्या लिखेंगे, 157464 ये लगा के, और इसके ऊपर क्यूब रूट वाला साइन लगा दिया हमने, ठीक है। क्यूब रूट वाला साइन पता है ना सबको, स्क्वायर रूट वाला बना के और फिर ऊपर 3 लिख दो, ये क्यूब रूट हो जाता है हमारा। अब क्या करेंगे, क्यूब रूट करते टाइम 3 3 का पेयर बनाएंगे, तो यहाँ से इस 2 का पेयर बन गया एक, फिर इन तीनों का 3 का बन गया, फिर इन तीनों 3 का बन गया, और इन तीनों 3 का बन गया, सब में से क्या कॉमन आ जाएगा, एक एक नंबर, यहाँ से क्या आ गया 3, नेक्स्ट वाले पेयर से भी 3 और नेक्स्ट से भी 3, ठीक है। फिर 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से, 54, ठीक है। आपको सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और पेयर बनाने हैं 3 3 नंबर्स के, और उनको आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब नंबर्स थ्रू एस्टीमेशन। हमें क्या करना है, हमें एस्टीमेशन से क्यूब निकालना है, ठीक है। तो आपको करके नहीं देखना पड़ेगा, आपको सिर्फ एस्टीमेट करना है। देखिए कैसे निकालेंगे, मैं आपको फर्स्ट पार्ट कराती हूँ, बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी हो जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। नंबर क्या है, 19683 ये नंबर है हमारे पास, हमें इसका निकालना है क्यूब रूट, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम, यूनिट प्लेस से 3 3 का पेयर बनाते चलेंगे। तो देखो इन तीनों का एक पेयर बन गया, ठीक है, एक ग्रुप समझ लीजिए, इनका एक ग्रुप बन गया। फिर जो भी बचे अगर उनमें से 3 फिर से कंप्लीट हो जाए तो उन तीनों का बना दो, अगर 3 नहीं होते हैं तो जो बचे उनका बना दो, 2 ही बचे थे तो दोनों का ग्रुप बन गया। तो हमारे पास 2 ग्रुप बने, जो फर्स्ट ग्रुप बनता है आपको ये देखना है, फर्स्ट ग्रुप में जो लास्ट यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस क्या है इसका, 3। तो आपको ये देखना है ऐसा कौन सा नंबर है जिसको आप 3 बार उसी से मल्टीप्लाई करें और आंसर आपका क्या आ जाए, 3 आ जाए। क्यूब में हम यही तो चेक करते हैं। तो देखिए 3 कब आ सकता है, जब हम 2 को 2 से करेंगे 3 बार, तो 8 आएगा, 3 तो नहीं आया, ये तो कट गया। फिर 3 से करके देख लेंगे, 3 3 जा 9, 3 जा 27, लास्ट में 7 आया, ये भी कट गया, ठीक है। ऐसे करते जाना है आपको, और जब आप 4 5 6 7 पे पहुंचेंगे तो 7 7 और 7, तो क्या हो जाएगा, 7 7 जा 49, 49 को 7 से करेंगे तो आंसर आएगा आपका ये 343, ठीक है। तो ये जो आंसर आया इसमें लास्ट में क्या दिख रहा है, हमें 3 दिख रहा है, और इसके भी लास्ट में क्या है, 3। तो आपको ऐसे चेक करना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करके आपकी यूनिट प्लेस वही आ जाए जो इस वाले ग्रुप की है। तो फर्स्ट ग्रुप में यूनिट प्लेस थी 3, और यहाँ पे क्या है,
3, इसलिए हमें पता चल गया कि इसकी जो इस जो ये नंबर है इसका जो क्यूब रूट हम निकालेंगे, जो इसका क्यूब रूट निकालेंगे उसकी जो यूनिट प्लेस आएगी वो क्या आ जाएगी हमारी, वो आ जाएगी 3। फाइन, तो यहाँ से फर्स्ट ग्रुप से हमारा क्या निकलता है, यूनिट प्लेस। सेकेंड ग्रुप से क्या निकलता है, टेंथ प्लेस। थर्ड ग्रुप होता तो वहां से क्या आ जाता, हंड्रेड प्लेस। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या बचा हुआ है, 19। अब हम ये देखेंगे कि जो 19 नंबर है जो सेकेंड ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप से आपको यूनिट प्लेस पता चलेगी जो कि आप ऐसे करके देखेंगे। ठीक है, सेकेंड ग्रुप से क्या करना है आपको, ये देखना है कि वो जो नंबर आया है हमारा 19, ठीक है, इस नंबर से छोटा क्यूब और इससे बड़ा क्यूब कौन सा है। जैसे 19 से पहले एक नंबर आता है क्या, मैं देख लेती हूँ करके देखो, 2 का क्यूब जब हम करते हैं, 2 का क्यूब यानी कि 2 2 4 2 8, क्या आंसर आता है आपका, 8। फिर जब आप 3 का क्यूब करेंगे, 3 3 9 3 27, तो क्या आएगा, 27। तो इन 2 का क्यूब है, ये तो 2 का क्यूब है, ये किसका क्यूब है, 3 का। तो 2 और 3 के क्यूब के बीच में आ गया ना ये नंबर। ठीक है, तो जो छोटा नंबर होगा ना हम वो टेंथ प्लेस पे लेंगे, तो छोटा कौन है, 2। तो क्या आ जाएगा हमारे टेंथ प्लेस पे, 2। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा एस्टिमेशन से, 27। फाइन, बहुत ईजी था। आपको एक बार में समझ नहीं आया तो मैं दूसरा कराती हूँ आपको पार्ट, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, सेकंड में है 59319। क्या करना है आपको, सबसे पहले 3 3 का ग्रुप, 3 का बना दिया, अब 3 तो बचे ही नहीं तो इन दोनों का बना दो। ठीक है, क्यूब रूट वाला साइन लगा देती हूँ। अब देखो जो यहाँ पे नंबर है हमारा फर्स्ट ग्रुप में क्या, 319, इसके लास्ट में क्या है, 9। हमें एक ऐसा नंबर देखना है जिसको आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करें और उसकी यूनिट प्लेस क्या आ जाए, हमारी 9 आ जाए। तो सोच के देखो आप ऐसे करते जाओगे, जैसे 2 का 3 का 4 का, ठीक है, ऐसे करते चले जाना, लास्ट में आप जब पहुंचोगे, देखो 2 में तो 8 आता है, 3 में 7 आता है, 4 में जब आप करोगे 4 4 16 4 64 बनेगा, तो लास्ट में 4 आएगा, ये 9 तो नहीं आया, 4 का भी कट गया, 5 में भी 5 आएगा वो भी कट गया, 6 में हमारा 6 आएगा वो भी कट गया, 7 में 3 आएगा वो भी कट गया, 8 में करेंगे हमारा तो 2 आएगा वो भी कट गया, 9 में करके देख लेते हैं, तो 9 × 9 × 9। अब देखो 9 9 जा क्या होता है, 81, 81 को 9 से करेंगे तो क्या होता है, 7 × 9, तो इसके लास्ट में क्या आ गया, 9, इसके भी लास्ट में क्या है, 9, मैच कर गया, यानी कि हमारा यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा यहां से, 9। ठीक है, यूनिट प्लेस तो पता चल गई। अब हम क्या निकालेंगे, यहां से टेंथ प्लेस निकालेंगे, तो देखिए क्या बचा हुआ है हमारा, 59 बचा हुआ है, तो देखो 59 लिख लेते हैं यहां पे। सेकंड स्टेप क्या कहता है, इस नंबर से छोटा और इस नंबर से बड़ा क्यूब नंबर निकालना है हमें। तो देखो छोटा नंबर निकालेंगे अगर, 3 का क्यूब क्या होता है, 27, मैं यहां पे लिख देती हूं थोड़ी देर के लिए, 27। 4 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब कैसे निकालोगे, 4 को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई, 4 4 16 16 4 64, तो यहां से क्या आ गया, 64। देखो 27 और 64 इनके बीच में है ना ये नंबर, और इनमें से छोटा नंबर कौन सा है, 3। तो यहां पे से ये हमारी टेंथ प्लेस पे क्या आ जाएगा, 3। तो हमारा आंसर कितना बन गया, 39। फाइन, समझ आ गया। आपको क्या करना है, यूनिट प्लेस से स्टार्ट करके 3 3 के ग्रुप बनाने हैं। जो फर्स्ट ग्रुप होगा वो आपको यूनिट प्लेस देगा, सेकेंड ग्रुप से आपको टेंथ प्लेस मिलेगी, अगर थर्ड ग्रुप भी है तो आपको 100th प्लेस मिल जाएगी। ठीक है, समझ आ गया बच्चे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इन क्वेश्चंस में, अब आप कर सकते हैं इनको इजीली। तो चलिए मैं आपको एक और करा देती हूँ, मैं 4 पार्ट्स हैं टोटल, 2 तो मैंने करा दिया आपको, थर्ड वाला आप खुद से कर लेना, फोर्थ वाला मैं आपको और करा देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाए कि टॉपिक है क्या। देखो 1 4 8 8 7 7, ये दे रखा है नंबर, 3 का ग्रुप ये बन गया, 1 3 का ग्रुप ये बन गया, और कुछ नहीं बचा, तो ये 2 ग्रुप आ गए हमारे पास। तो देखो 8 7 7 है, अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि लास्ट में 7 कब आता है। देखो 2 को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 8। ये आपको हर बार करने की जरूरत नहीं है बेटा, आप क्या करोगे, लर्न कर लोगे ना इनको, जो 10 तक के क्यूब तो आप लर्न कर ही सकते हैं, तो 10 तक का क्यूब आप लर्न कर लें, उसी से आपको माइंड में कैलकुलेशन करें, आपका इजी हो जाएगा। 3 का क्यूब करेंगे तो 3 3 9 3 27, लास्ट में क्या आएगा, 7, यहां पे भी क्या है, 7, कर गया मैच, यानी कि क्या आ गया हमारे यूनिट प्लेस पे, 3। ठीक है, अब देखो 148 है, अब हमें क्या करना है, इससे छोटा और इससे बड़ा क्यूब नंबर निकालना है। तो हम क्या करते हैं, हम करके देखेंगे कि हमारा क्यूब नंबर इसके आसपास कौन सा बनेगा। ठीक है, तो जब हम करके देखेंगे 5 का, तो 5 का करके देखो, 5 का क्यूब मतलब 5 × 5 × 5, ये होता है हमारा 125, इससे छोटा है, लिख दें यहाँ पे 125 कहाँ से आया, 5 का क्यूब से। अब देखो 6 का क्यूब करके देख लें, 6 का क्यूब कैसे निकालेंगे, 6 6 6 2 36 6 2 16। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में आ गया ये नंबर, यानी कि ये हमारा, और छोटे वाला लेते हैं हम तो यहां से क्या आ गया हमारा 5। तो ये जो नंबर था हमारा, ये किसका क्यूब बन जाएगा हमारा, 53 का। ठीक है जी, ये था हमारा एस्टिमेशन वाला मेथड, क्या फाइंड आउट करने के लिए, क्यूब रूट निकालने के लिए। ठीक है।
तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।